लक्ष्य मात्र छोटा आहे, स्पर्धा मात्र मोठी आहे, आणि जर तुम्हाला स्वप्न पूर्ण करायचे असतील तर आयुष्यात स्वप्नाचा पाठलाग करताना तुमच्या अडचणींना तुमच्या संकटांना देखील सांगा, आता मला लढायचं आहे आणि लढता लढता लढायचं आहे। तर पाहूया या मॅच मध्ये कोणता संघ विजेता होतोय आणि प्रथम क्रमांकाचा टोपीवर नाव कोणता संघ लिहितोय तो पाहायचा आहे। काही क्षणातच समजेल। सामन्याला सुरुवात पाहायला भेटते पंचांचा इशारा। वैयक्तिक पहिला संघाच्या वतीनं पहिलं षटक घेऊन येत आहे शिवशक्ती तिलोटिया संघाकडून अंकुर। तसेच संजय वाळग्याचा आगमन होत आहे। छोटी चक्रात चेंडू कोणी पंचांच्या दिशेने सोडवला या गेला एक धावपळ पूर्ण केली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न। पाहूया रनाचा धोका। फलंदाजी करणार रोहित मागच्या सामन्यामध्ये धुआधार अशी फलंदाजी केली होती। तर पाहूया या मॅच मध्ये कोणता संघ विजयी होईल ते पाहायचंय। तसेच मधले वाटते ज्येष्ठ कार्यकर्ते संजयजी मुळे तसेच प्रमोद कुलकर तसेच श्री विकास दीक्षित सर सरपंच तसेच केशव मुळे तसेच विनय तांबे तसेच विष्णू मंजेकर तसेच विनय मुळे तसेच श्री आंबे सर यांनी खुर्चीचा मान लागायचा आता मात्र गोलंदाजी करतात। पहिल्या चेंडूवरती दोन धावा खर्च केली होती दुसऱ्या चेंडूवरती दुसऱ्या चेंडूवर रोहित मात्र इथे सुंदर फलंदाजी करताना दिसले कारण मागच्या मॅच मध्ये सुवादार अशी फलंदाजी केली होती। सलामीला गेलेले फलंदाज धडके पाच असे फलंदाज भगवती तानावाड या संघाकडून सलामीची जोडी मैदानावरती रोहित आणि योगेश काही करती रोहित नाही काही करती योगेश वय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या पाहायला गेली तर पाच धावा सुरेखाची गोलंदाजी केली
ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಮಲ ಮಲಾಟ ಪ್ರಂಕ್ ತೋರಿಸಿ
तर या आगामध्ये ट्रॉफीचे प्रथम क्रमांकाचे श्री विकास पुरुषोत्तम सर त्या गावच्या कोपरचा तथा तृतीय क्रमांक ट्रॉफी आयोजित श्री ओंकार विद्यार्थी आयोजन मला तथा तृतीय क्रमांक ट्रॉफी योगेश देवंत पारकर आयोजन मला तर चतुर्थ क्रमांक ट्रॉफी आहे श्याम अशरफ खान आयोजन मला पहिला चेंडू अतिरिक्त धावा अतिरिक्त धावा संख्या होती 16 धावा त्यामुळे संघाची धाव संख्या 16 चौथा शतक झाले धन्यवाद उसके बाद अपने दूसरे के लिए पांच रन केवल एक ही रन तीसरे रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ सुमित नगर देखा जाए तो 18 रन एक ही लोकल टू विकेट फोर फोर स्कोर पर चौथा ओवर में प्रगति पर है अपने बोलिंग पर पंच खिलाड़ी शिवशंकर त्रिलोट भी एक खिलाड़ी ऑलराउंडर खिलाड़ी है माने जाते हैं इस बार गेंद बाइट बाइट यार दौड़ा शुरू किया राइट आर्म ओवर देने के रोहित के लिए इस बार गेंद खेलना चाहते हैं अपील हुई और पिछले बीच भी छुपाए गए
आज की शाम यादगार क्योंकि क्रिकेट का माहौल पड़ेर में होगा, तो क्या लगा होगा तो इस मैदान पर ये फाइनल मैच दोनों टीमों के बीच में एक तरफ भगवती तानोरवाड़ी की टीम थी और दूसरी तरफ शुभ शक्ति पांतरवाड़ी। इसके बाद यहाँ पर समारोह होगा, उसके लिए आमंत्रित यहाँ पर आज के अतिथि आदरणीय हरीफ जी बता दी गाँव के मुख्यमंत्री दीक्षित सर, उनके साथी पार्कर साहब, खान साहब, उप सरपंच सुभाष जी, वह भवानी हमारे स्कूल के मास्टर सम्मानीय तालोड़ सर जी, उनके साथ में चंद्रकांत तालोड़, ये प्रमुख अतिथि के रूप में इस मैदान पर मौजूद है। इसका आकार कहा मैच का खुद आनंद लेते हुए इस मैदान पर पड़ेर गांव की शुरुआत जिस टूर्नामेंट से होती है गणेश मध्यवाड़ी की ओर से, जिसका नियोजन आयोजन जिले में नहीं तालुके में नहीं बल्कि जिले में जो बचपन में आज तक इस मैदान पर खेले हैं शायद सभी खिलाड़ी इस आयोजन से परिपूर्ण है। आपका नाम शायद कार्यकर्ता कहता हो, हर एक जिम्मेदारी अपनी तरह से पूरी तरह से दे रहे हैं। और जब कार्यकर्ता मेहनत से काम करता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है, यही मैदान पर आपको दिखाई देगा। फाइनल मैच दोनों टीमों के बीच में एक तरफ भगवती तानोरवाड़ी टॉस की रोड थी और यहाँ पर पहले चतुर्थ का फैसला किया गया, लगभग अपना फैसला सही बताते हुए अधिकारी गाड़ी तैयार है करने के लिए, जिनके पास काफी अनुभव हो तैयार होते दूर जाते हैं राउंड के लिए गेंदबाजी के लिए रक्षक मंडल से कल नंबर के अभी कुछ दो ओवर अधिशेष हो गए, ज्यादा से ज्यादा जुटाने की जिम्मेदारी है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। ये फाइनल मैच दोनों टीमों का लगभग चमचमाती हुई ट्रॉफी पर शायद इस गांव की सबसे बड़ी ट्रॉफियों की आज के इतिहास में, और जो ट्रॉफी मिली है वो दीक्षित सर की ओर से। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दो रन पूरे किए, दो रन के साथ टीम का स्कोर बदला हुआ 22 रन दो विकेटों के नुकसान पर। अनिकेत गढ़ी जिनके पास काफी अनुभव क्रिकेट का अनुभव, जिनके नेतृत्व में टीम खेलती है काफी अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज लेकिन यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी निराशजनक स्थिति जरूर है। क्रिकेट का माहौल स्टेडियम पर बहुत सारे दर्शक इस मैदान पर क्रिकेट का आनंद लेते हुए एक अच्छा खासा मैच है, एक रोमांचक मैच है इस मैदान पर, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी उस मैदान की टीम दिखाई गई है। चार तो तेईस रन तीन विकेटों के नुकसान चार विकेटों के नुकसान इस मैच में तो अंपायर प्रशांत मंचेकर
और संदेश बोलकर गेंदबाजी तैयार अनिकेत गाड़ी जिनके हाथ में गेंद राइट आउट ओवर द विकेट सामने चिराग पालौर। ये फाइनल मैच दोनों क्लब इस साल का विजेता बनेगा। टीम को बड़ा एक अंक के साथ कम को बनता हुआ 24 रन जबकि पांचवा ओवर जारी है। प्रत्येक ₹100 पारदर्शी बल्लेबाज है जिनके पास काफी अनुभव है लेकिन उससे भी बेहतर गेंदबाज है अनिकेत गाड़ी। जब आगे बढ़ने वाले तो गेंद को कहां रखना है, गेंद को जाने जाने में कीपर क्या रखना है, रन की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। फिर अनिकेत फिर एक बार तैयार कंट्रोल आगे जाकर खोल कोशिश असफल गेंद वही रही विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की समाप्ति पांच ओवर की समाप्ति 6 ओवर का यह फाइनल मैच का शिव शक्ति बाकरवाड़ी और पहले क्षेत्र सत्ता में सकी आप पहले बल्ले पर से थोड़ी सी लेफ्ट आती हुई टीम लेकिन आप यहाँ पर कम जोर मत समझना क्योंकि कल का मैच सिर्फ 21 रन थी और शायद टीम थी आखिरी 6 गेंदों में 3 रन की जरूरत थी तभी यह मैच ताला लगाने की जगह अमित तैयार कोटे का पहला इनिंग का आखिरी ओवर कोटे का दूसरा इनिंग के ऊपर आखिरी ओवर तैयार राइट आउट ओवर के तौर पर चिरा 6 गेंदों में राइट आउट ओवर के ऊपर ताकि आगे जाकर खेलने की कोशिश असफल रहे गेंद वही पर ट्राई गेंद को लेकर के पकड़ने में मगर फिर रखे एक इनाम है जो कोई छक्का लगाएगा इस टूर्नामेंट में इस मैच में तो उसके लिए 100 रुपए का इनाम मधुकर वाली जी के पास यहाँ पर आया है। एक इनाम है बल्लेबाजों के लिए कि इस मैच में जो भी छक्का लगाए उसके 100 रुपए के लिए 100 रुपए का इनाम। अमित भाई तैयार गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी अच्छी गेंद खेलते हुए खेल कर पहले बॉल पर एक रन का क्या और फिर कहा भाई दूसरे रन का करके दोनों बल्लेबाज दूसरा भी रन बनाता है कंचन को रनिंग लेने के लिए दो रन के साथ कंचन को बचाओ आपको रन के साथ 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट के नुकसान अमित धारी तैयार गेंदबाजी करने के लिए राइट आउट राउंड विकेट अब हम भी इसी गेंद को जोर दिया लेकिन अंकुर जिसे अंकुर गाड़ी चार फील्ड करते हैं तो शायद एक करिश्मा होता है कि गेंद हाथ में लपेट जाती है जहाँ हाथ डालते हैं वही गेंद आती है। अंकुर गाड़ी काफी अच्छे बेहतरीन क्षेत्र रक्षक इस टीम के तो छठवां डक्का भगवत जी के लिए छठी सफलता तिरुवल के लिए टीम का स्कोर 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें अभिशेष इनिंग की इस बाद के बाद बख्शी समारोह कार्यक्रम के मैदान पर होगा उसके लिए हमारे बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं आईडिया के मालिक योगेश मार्कर जी आरिफ बगदादी अब सब के बाहर के बीच गेंद को जाने देने के लिए करके रखता होगा गेंद बंद करके जब मर्यादित लोगों का टूर्नामेंट होता है तो शायद गेंदबाजी का बहुत बड़ा नया नवा फील कैसे गेंदबाज कैसे अपने जगह पर खड़े रहे फिर एक बार उठाने की कोशिश और यह रन आउट आखिरी गेंद आखिरी गेंद और सामने खेलने के लिए तैयार है शानदार ओवर ये फाइनल मैच भगवत जानवरानी और शिव शक्ति बाकरवाड़ी के बीच में चलता हुआ ये मैच जो जीतेगा वही इस साल का जीता रहेगा इस टूर्नामेंट का और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए ये चमचमाती ट्रॉफी
जो कॉपी मिली है मैंने टार्गेट कर गेला बुक करा खाली गेला मारा टार्गेट सेट कर रे मैंने लेविंग डाउन की टार्गेट सेट कर टार्गेट खोज रे गेला टार्गेट ऑप्शन हो तो नहीं करते कोई गेलो टार्गेट ऑप्शन आई घर आता नहीं थी अभी घर तो नको रे बंद कर देना किसी भी इमारत की नींव भरोसे से रखी जाती है। किसी भी इमारत की नींव भरोसे से रखी जाती है और भरोसा तय होता है उसमें प्रयोग की गई सामग्री से। आर्मेक्स ग्रीन लेकर आए हैं ऐसे ही भरोसेमंद प्रोडक्ट्स, जिससे किसी भी इमारत का आधार हो पक्का, जो चले सालों साल बेमिसाल। रेडी मिक्स प्लास्टर अब दीवारों की मजबूती और अपने पॉकेट की फिक्र से रहे मुक्त। टाइल एडिसिव, नए जमाने की टाइल फिक्सिंग को चाहिए नया तरीका, इस टाइल एडिसिव से जो रहे अटूट। ब्लॉक जॉइंट मोर्टर अब AAC ब्लॉक के साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका। ब्लॉक जॉइंट एडिसिव, बढ़ाए अपनी दीवारों की उम्र, अपनाए आर्मैक्स ग्रीन का रेडी मिक्स प्लास्टर, टाइल एडिसिव, ब्लॉक जॉइंट मोर्टर और रहे निश्चिंत। लॉग ऑन करें www.armaxgreen.com।
मैंने देखा है कि इस प्रतियोगिता से पहले इस टूर्नामेंट में दावेदार लगभग मैं तो जान चुका था कि शिवशंकर की बात है। आप इनके खिलाड़ी देखें तो लगभग 30 साल के अंदर सब खिलाड़ी इस मैदान पर आपको दिखाई देंगे और वही कोशिश होगी इस टूर्नामेंट में जैसा बनने की पूरी कोशिश होगी तैयार होने का थोड़े समय के साबित होती हुई है जिम्मेदारी लेते हुए दूसरी तरफ स्ट्राइक पर चले गए यानी गेंद के जो फिनिशर कर जाते ओपनिंग के रूप में जब मैदान में जाते मैच पूरा खत्म होने के बाद मैदान में आते हैं और अनिकेत का विकेट लेने में सफलता हो रही तो थोड़ा सा हौसला अपने को दिखा देखेंगे इस मैदान पर क्या होता है। संतोष पवार विकेट के पीछे लपकते हुए फील्ड में जा रहे हैं एक काट का काफी अच्छे से बाहर का अनिकेत खड़ी इनको मुक्त करें तो थोड़ा सा हौसला अपने को बढ़ जाए लेकिन अनिकेत जैसे महान खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी टीम के कप्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ करते मैदान पर गेंद को उठाने के लिए कोशिश जोरदार बल्लेबाज का मेरा संपर्क नहीं वाइड का इशारा अतिरिक्त नियंत्रण का चक्कर को छोड़ा हुआ आठ रन रोहित तैयार गेंद के लिए थोड़ी सी निराशा हो सकती रोहित का यह ओवर में मैडम मिला था तो कुछ थोड़ी सी जोरदार रन किया जा सकता था मैडम को थोड़ी सी और ये क्या टूटता हुआ लगा रहा है कि बाहर चली जाती हुई अनिकेत घड़ी जोरदार गिरा गिरा ये भाई क्या करता था वो एक जलता है अंपायर सिद्धेश कुलकर याद आ गई ये गेंद ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह संजय वाडेकर के प्रणाम के रूप में आई हरी दरिया के प्रवर्तन के उसे पुरस्कार का पुरस्कृत किया गया है। रोहित तैयार टीम का अंक वही अच्छी गेंद संपर्क करते हैं क्या करते हैं मीडियम के मीडियम के सभी का मीडियम के नहीं रख रखा क्या दूसरे रन लेना चाहते हैं यानी कि टीम का अंक एक रन के साथ बढ़ता है काफी लंबे हुए ओवर में समाप्ति कार पर इतना काम था थोड़ा समय में थोड़ा सा बचा हुआ पहला ओवर जारी है टीम टेस्ट करते हुए 9 रन इधर झूम मारा पूरा थोड़ा समय में मेरी कर लेता जरा तो रुमाल काफी बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। आखिरी मैच का जो मुझे आशा माफी अपील था राउंड राउंड गेम पर गेंद मारने के लिए तैयार थोड़ी सी स्लोअर गेंद पर थोड़ी सी स्लोअर गेंद रखी चकमा दिया बल्ले बाद में जिनके विकेट कीपर के हाथ में रोहित अपने बल्ले मार पर ये फाइनल मैच है आखिरी गेंद तक बैच चले यही सबका इंतजार है मैदान पर तैयार रोहित राइट अप कर देंगे अब देखते हैं गेंद को जहां तक कोई फील्डर आ रहा है रोहित लंबा बांधेंगे बाहर चला रन कोई नहीं
अमित के लिए काफी अच्छे बल्लेबाजी टीम का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 15 रन जिसका लक्ष्य 29 रन था काफी कम लक्ष्य रखा था लोगों को बनाने के लिए काफी सारी अपेक्षाएं थी कि अंतिम ओवर लेकिन पहला ओवर जो बहुत महंगा साबित हुआ जिस ओवर में 15 रन ही कोई सफलता नहीं रही के लिए एक एक रन होता रोहित का दूसरे दिन से चिंतों का देगा कल का मैच हमें बहुत याद देगा अनिकेत के लिए काफी कम फील्डर और इसका फायदा अनिकेत को जरूर उठाएगा गेंद को लेकर और एक एक को जरूर बटोरेगा जल्दबाजी की कोई जल्दी नहीं है अपने आप खड़े रहे और आप जैसे खिलाड़ी मैदान में होंगे तो शायद मैं जाता हूँ स्वप्न स्थान और गेंदबाजी के लिए तैयार अभी भी मैच खींच सकते गेंदबाजी के ऊपर इतने काफी अच्छे गेंदबाज हैं अच्छी गेंद रक्षा पटक से खेला सिलेबी रन की दिशा में गेंद को लिया एक रन से नहीं रोक पाए टीम का स्कोर बनाया एक रन के साथ नौ का इशारा समीर को तो जरूर समीर को नो बॉल का इशारा इस पिच लगभग 5 के ऊपर खिलाड़ी के मामले में साइड में लगा देते हैं तो नो बॉल का इशारा फ्री हिट मिलेगी और शायद ये अच्छे से नंबर लगाते हैं अनिकेत के लिए अनिकेत जैसे छोटा छोटा बाल पर डाल जाओगे तो उसे और वही दिशा में थोड़ी गलती होगी तैयार स्कोर 16-17 अंपायर बताते हैं कि ये फ्री और सामने लगाने वाले अमित खड़ी है देखना होगा इस गेंद पर और 100 रुपए का इनाम मिलता है कि नहीं निखिल स्वप्न तैयार घुमाने की कोशिश जोरदार छक्के की लेफ्ट आर्म टीम का भी बाहर वाइड का इशारा टीम का स्कोर अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बना हुआ 18 रन लगभग मैच ये शिव शक्ति अमित आपके लिए अपनी हिट है देखेंगे स्वप्न तैयार हम सब उसे जाते हैं राइट हैंड ओवर देवी देवी तेरे पार कर दो अपील फ्री हिट होने की वजह से लगभग ये जरूर अपील कर सकते थे लेकिन इस हिट की गेंद की बदौलत जोनदान अमित के लिए स्वप्न तैयार गेंदबाजी के लिए राइट आई का ओवर देवी गेंद राइट आई ओवर देवी गेंद अमित के लिए आज हम लोग होने खेलने की कोशिश गेंद 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 के पर क्या हाथ हाथ में बगैर किसी रन अभी भी हौसला पूरा पूरा कर रहे हैं मोदी दानव राणी उनके पास गेंदबाज है काफी अच्छे गेंदबाज है तैयार गेंदबाजी के लिए स्वप्न गेंदबाजी के लिए तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट ये मैच धीरे धीरे बल्लेबाज अपने पक्ष में लेके जाते हुए इस साल का जिंदा बनने की पूरी जिम्मेदारी है दोनों के ऊपर आगे जाकर और ये अब तो प्लेयर के ऊपर है और ये हेलमेट के ग्राउंड होते हुए दूसरा
पहली समस्या तो वो किसानों वाली के लिए और पहला चिंता भाकर वाली के लिए इनकंस्टर 18
3 रन
या परदेशी जे आम्हाला पुरस्कृत लाभले या सर्व पुरस्कृतांचं मंडळाच्या वतीनं या ठिकाणी लाख लाख धन्यवाद. प्रथम क्रमांकावरती रोख रुपये 11,000 ची यात्रा जे आम्हाला मिळाले ते परेल माजी उपसरपंच कलामंत्री संजय नारायण मानेकर यांच्या स्मरणार्थ श्री आरिफ बगदादी आणि मित्र मंडळी यांच्या गुरु मिळाले. आणि प्रथम क्रमांकासाठी जे ट्रॉफी विकास दीक्षित पडेल गावचे सरपंच प्रथम नागरिक यांच्याकडे मिळाले आहे. द्वितीय क्रमांकासाठी रोख रोख पारितोषिक 7,577 रुपये. उत्तम दर्जे भाजपा युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष देवगड यांच्याकडे मिळालेले आहे. आणि द्वितीय क्रमांकासाठीची ट्रॉफी ओंकार विकास दीक्षित आयडी लेटर म्हणजे ते मालक यांच्याकडे मिळालेले आहे. तृतीय क्रमांकासाठी रोख रोख 3,333 महेश मच्छकर दत्ता मोरी केशव सोकर उर्फ बाबा यांच्याकडे मिळाले. तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी योगेश देवंत मार्फत आयडी एंटरप्राइजेसचे मालक यांच्याकडे मिळालेली आहे. चतुर्थ क्रमांक रोख 3,333 हे मंडळाकडे दिले जाणार आहे. तर चतुर्थ क्रमांकासाठी ट्रॉफी शम्स पुरस्कार आयडी एंटरप्राइजेस यांच्याकडे मिळालेली आहे. उत्कृष्ट फलंदाज अशोक तांबे रुपये तांबे यांच्याकडे त्या सर्वांचं ज्यांनी पुरस्कृत केलेले समारोह त्या सर्वांचं मंडळाच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद. आपण या केलेल्या पुरस्कृत केलेल्या निश्चित तिकडे पवार चांगला योग्य वापर या ठिकाणी झालेला आहे. या मंडळानं अतिशय वेगळी स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे.
मध्ये नाही जायचं बघ ना सगळा।